तो अभी हम लोग ये क्वेश्चंस को करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि कोई एक छत से कोई बॉल को 20 मीटर पर सेकंड में फेंका गया, ये ऊपर गया नीचे गिरा। सेम छत से सेम बॉल को सेम स्पीड में फेंका गया, सीधा नीचे आके यहाँ पे गिरा। क्या दिया है? इन भार्ट केस इफ द बॉल टेक्स 6 सेकंड टू रीच ग्राउंड देन हाउ मच टाइम इट टेक्स इन सेकेंड केस। ये केस में जैसे हम बॉल को ऊपर फेंके, ऊपर जाके नीचे गिरने के लिए लगा 6 सेकंड। तो इस केस में सीधे नीचे फेंके, नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? पहले बताओ, सेम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा, है ना? तो बोला है कि अभी कितना समय लगेगा बताओ। तो सोचते हैं सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। पहला में देखो, अगर ये पॉइंट को हम ए कहेंगे, ये पॉइंट को हम बी कहेंगे सपोज, और ये पॉइंट को सी कहेंगे, जब वो बॉल बी में आके पहुंचेगा, यही तो मोशन ही सिमेट्रिकल, 20 मीटर पर सेकंड में फेंके थे, यहां पर पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? यहां पर पहुंचते पहुंचते स्पीड हो जाएगा वही 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब हुआ बी से सी आने के लिए जितना समय लगेगा, इस केस में उतना समय लगेगा। अब बी से सी आने के लिए कितना समय लगेगा दिया है हमें, ए से सी जाने का टाइम दिया है। बी से सी आने का टाइम कितना लगेगा ना, ए से सी का जो टाइम माइनस ए से बी तक का टाइम। आर यू गेटिंग? तो हम कहेंगे इन सेकेंड केस टाइम टेकन इज इक्वल टू टी फ्रॉम बी टू सी, और टी फ्रॉम बी टू सी यहां से यहां पर आने के, क्योंकि यहां पर भी तो 20 मीटर पर सेकंड था, यहां तक आने के लिए जितना समय लगेगा, यहां पर भी उतना ही समय लगेगा। ये टी बी सी क्या है? दैट इज टी फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक का जो टाइम, माइनस टी फ्रॉम ए टू बी। ए टू सी जाने का क्या टाइम लगेगा? वो तो दिया हुआ है, ग्राउंड पे गिरने के लिए 6 सेकंड लगा, तो हम कहेंगे दिस इज 6 माइनस ए टू बी जाने का। अब ए टू बी जाने के लिए कितना समय लगेगा? कोई चीज को 20 मीटर पर सेकंड में फेंके, ऊपर जाके वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? फॉर्मूला हो गया 2u/g, है ना? अब u के जगह क्या लेंगे? 20, g के जगह g, तो कितना हो गया? ये हो गया 4, 6 - 4 = 2 seconds। समझ में आ रहा ना कैसे 2u/g लगा रहे हैं? ए से बी जाने का कितना समय लगेगा? कोई बॉल को 20 मीटर पर सेकंड में फेंक दिए, ऊपर जाके नीचे आने का कितना समय है? दैट इज 2u/g। दूसरा बीट में पूछा है इन व्हिच केस द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद ग्रेटर स्पीड। अब देख के बताओ, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो पक्का बता दोगे। यहां पर बॉल का स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड, यहां पर आते आते मान लो स्पीड हुआ भी, यहां पर क्या था 20, तो यहां पर आते आते स्पीड क्या होगा? भी। तो हम कहेंगे आइदर केस इट स्ट्राइक्स ग्राउंड विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड। और अगर पूछेगा कोई कितना है वो स्पीड, वो भी हम निकाल सकते हैं। बाईचांस अगर पूछ लिया कि कितना स्पीड में गिरेगा, 6 सेकंड के बाद गिर रहा है, मान लो कि फाइनल वेलोसिटी हो गया v0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू -v0, a इज इक्वल टू -g, और टाइम दिया है 6, तो उसमें से हमको v0 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अच्छा, वो नहीं पूछा इसलिए यहाँ पे छोड़ दिए, वो तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर में देंगे, टेस्ट में देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो कोई बॉल को फेंके हम अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड विथ 30 मीटर पर सेकेंड। बोला कि जो गया ऊपर, धीरे धीरे उसका स्पीड घटने लगा घटने लगा घटने लगा, एक समय हुआ होगा जब उसका स्पीड होगा 12, उसके बाद और ऊपर जाएगा तो और घटेगा और घटेगा और घटेगा, फिर गिरेगा, गिरते गिरते फिर होगा 12, फिर बढ़ते 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 यहां पर गिरते गिरते हो जाएगा स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया है कि कितना समय के लिए उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से कम था। सपोज यहां पर उसका स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बता सकते हो यहां पर क्या स्पीड था? क्या था? सेम 12 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मोशन इज सिमेट्रिकल, और किधर को था? नीचे की तरफ। कितना समय के लिए ये बॉल का स्पीड 12
स्पीड से कम था इतने समय के लिए, जितना समय इससे ऊपर रहा क्योंकि इससे ऊपर स्पीड घट रहा था, है कि नहीं। इसके नीचे 30 के 12 के बीच में था, यहां पर आया तो 12 से भी कम होने लगा, कम होने लगा, जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा, 12 हुआ, फिर आगे गिर गया। मतलब फॉर दिस पीरियड ऑफ मोशन दी स्पीड वाज लेस देन 12, वो टाइम क्या है? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, स्पीड इज लेस देन 12 मीटर पर सेकेंड फॉर टी इक्वल टू, यहां से यहां तक आने का जो टाइम, कोई चीज को 12 में फेंके हैं, ऊपर गया, यहां तक आया, कितना समय लगेगा भाई? 2u by g लगाएंगे तो 2 × 12 / g। हाँ जी, गोटे क्लास जी जानपरि क्लासटा चली टे अधा पर कथ हम कि अधा पर कथ हाँ मुझे घर ही तो अच्छी ओके हाँ घर ही। तो क्या हुआ इसमें 2 × 12 / g, 2 × 12 / g का मतलब क्या है, जी का वैल्यू है 10, ये 2 × 12 / 10 कितना हो गया 24 / 10 इज 2.4 seconds। सो यू फाइंड The speed is less than 12 meter per second for 2.4 seconds. हुआ क्या? 2.4 seconds. समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, when the ball was thrown with 30 meter per second, its speed was less than 12 meter per second for this much time. If the ball was thrown with 40 meter per second, तो उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से कम कितना समय के लिए रहता? अरे वही रहता, इसमें 30 का कहां यूज हुआ, है कि नहीं, उतने ही समय रहता। कितने भी जोर से फेंको, अगर ऊपर फेंक रहे हो तो उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से कम रहेगा, कितने समय के लिए, वही 2.4 सेकंड के लिए। ये जो डाटा है 36 मीटर पर सेकंड का, ये हमारे लिए कोई काम का है नहीं। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर मतलब नीचे से जा रहा है, आप ऊपर से जा रहे हैं, आप नीचे खड़े हो, कि अंडरस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग, हरी हो। तो ये हो गया, तो ये हो गया टाइम ऑफ मोशन फॉर व्हिच द स्पीड इज लेस देन 12 मीटर पर सेकेंड। ओके थैंक यू। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से देखेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन को अभी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप विद 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड रिमेंस अबव रूफ लेवल फॉर 2 seconds। यहाँ पर किसी घर का छत है, कोई बदमाश बच्चा नीचे से बॉल फेंक रहा है, कितना जोर से फेंका, 30 मीटर पर सेकेंड में बॉल गया, इतना जोर से फेंका, छत को क्रस कर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे गिरा, है ना। बोला कि छत लेवल से ऊपर, इस लेवल से ऊपर कितना समय के लिए रहा, मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसको ए मान ले, ये बी मानते हैं, ये सी है, वापस गिरेगा तो डी मानते हैं। समझने के लिए क्या दिया है, और छत का हाइट कितना है वो मालूम नहीं, वही पता करना है। क्या कहेंगे इसमें दिया है इसमें क्या, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी, यहां से यहां तक छत से ऊपर कितना समय के लिए रहा, बी से सी तक मोशन में, इससे ऊपर रहा, ठीक है ना। मालूम नहीं है बी पे क्या स्पीड था, सपोज द स्पीड इज वी, सपोज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बी इज वी, सो क्या लिखेंगे, वी इज स्पीड एट बी, अस्यूम कर लेते हैं। तो क्या बता सकते हो सी में स्पीड क्या होगा, वी हो नहीं, अच्छा टी बी सी कितना है, और कोई चीज को वी में फेंके जाके आने के लिए कितना समय लगता है, 2v/t, लेकिन क्या दिया हुआ है, रिमेंस वो ग्रुप लेवल फॉर अ टाइम ऑफ 2 seconds। इसका मतलब भी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। पता चल गया क्या, बी में जो स्पीड था बॉल का वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है एच, मतलब ए से बी का दूरी पता करना है,
तो ए टू बी मोशन को देखेंगे। ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 है ना, बी पे फाइनल वेलोसिटी अभी अभी निकाले, एक्सीलरेशन माइनस जी और टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर की तरफ एच, क्या इनमें कोई रिलेशन हमें आता है? हाँ आता है ना, क्या है वो रिलेशन? एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, एस का वैल्यू हो गया एच, वी का वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू क्या है 30 का स्क्वायर बाय 2a, a का वैल्यू क्या है माइनस 10। हो, ये कितना आया देखो तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, ये हो गया 100, ऊपर हो गया 800 माइनस 800 और ये नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, रह गया 800 बाय 20, इट इज कमिंग 40 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द रूफ इज 40 मीटर्स। समझ में आ रहा ना? मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ लेकिन आप लोग पॉज लगा के दो दो बार देख लेना इसको, आ गया समझ में? पॉज लगा के लिखो क्योंकि इसको मिटाने के बाद ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, आप लोग पॉज लगा के लिख दो, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तो, क्या एक दो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, अगर आपसे बन रहा है तो पॉज लगा के बनाओ, फिर बाद में देखोगे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मत सोचना कि आप पॉज लगा के न्यूमेरिकल कर रहे हो और जब पॉज खोले हम कहीं कुछ कितना दूर तो पढ़ा दिए, ऐसे नहीं। आप पॉज लगाओगे हम भी वेट करेंगे, जैसे आप पॉज खोलोगे तभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे। आप जब पॉज लगा के पढ़ रहे होगे हम इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ा देंगे, प्रॉमिस, ओके ठीक है। चलो नंबर 7 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 7, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली ऑफ ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ड्यूरिंग 50 सेकेंड एंड 80 सेकेंड ऑफ मोशन, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी ऑफ थ्रो फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अटेन। कोई बॉल को फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, जहां से फेंके थे ग्राउंड से तो ग्राउंड पे गिरा, बोला कि 50 सेकेंड में जितना दूर गया 80 सेकेंड में भी उतना ही दूर गया। 50 सेकेंड का ड्यूरेशन कितना होता है? 50 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है, 50 सेकेंड किसको कहेंगे, फर्स्ट सेकेंड किसको कहेंगे, t = 0 से t = 1 ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, t = 1 से t = 2 ये हो गया सेकेंड सेकेंड, t = 2 से t = 3 हो गया थर्ड सेकेंड। तो 5th सेकेंड क्या होगा, t = 4 से t = 5, तो 5th सेकेंड में जितना दूर जा रहा है 8th सेकेंड में उतना ही दूर जा रहा है। 8 सेकेंड मतलब कौन सा टाइम होगा, t = 7 से t = 8, मतलब t = 4 से t = 5 में जितना दूर जाता है, t = 7 से t = 8 में उतने ही दूर जाता है। चलो मानते हैं कि t = 4 में वो यहां पे था, t = 4 यहां पे था, t = 5 ये जितना डिस्टेंस है उस समय को, डिस्टेंस को कितना समय में तय किया है, 1 सेकंड में, यहां तक इतना दूर जाने के लिए कितना समय लगा उसको, 1 सेकंड, दैट इज व्हाट इज द 50 सेकंड। अब जाते वक्त यहां पर यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा होगा तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा होगा, वही 1 सेकंड लगा होगा, सिमेट्री मोशन, समझ में आया ना? ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ गोल खिलाता है आते वक्त वही सब चीज रिपीट होता है, मिरर सिमेट्री है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए अगर 1 सेकंड लगा है तो यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड लगा होगा, ये 1 सेकंड में भी उतना ही दूर गया तो ये कौन सा सेकंड होगा, 8th सेकंड, मतलब दिस मस्ट बी t = 7 t = 8। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया 4, मान लो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है, समझ में आ रहा है क्या? चलो ये पॉइंट को थोड़ा नेमिंग दोबारा कर लेते हैं, ये पॉइंट हुआ a, ये b, ये c, ये d, ये पॉइंट e और ये पॉइंट हुआ f, समझ में आया क्या? अच्छा t a टू b कितना, a से b जाने के लिए उसको कितना समय लगा, 4 सेकंड। अच्छा e से f आने के लिए कितना समय लगेगा, वही 4 सेकंड है कि नहीं,
ए टू बी जाने के लिए 4 सेकंड लगा है तो ई टू आने के लिए भी 4 सेकंड ही लगेगा, सिमेट्री मोशन। अच्छा यहां तक आने के लिए कितना समय लगा था, 4 सेकंड, यहां तक 5 सेकंड, यहां तक 7 सेकंड, यहां तक 8 सेकंड, यहां से यहां पर आने के लिए 4 सेकंड, मतलब यहां पर कब पहुंचेगा, अगर शुरू हुआ है टी इक्वल टू 0 पे तो यहां पर कब पहुंचेगा, यहां पर पहुंचा टी इक्वल टू 8 में, यहां से यहां पर आने के लिए लग गया 4 सेकंड तो पहुंचेगा कब, टी इक्वल टू 12 सेकंड। सो टी ए एफ इज इक्वल टू टी ए ई प्लस टी ई एफ, टी ए ई मतलब ए से ई जाने का समय प्लस ई से एफ आने का समय, दैट इज 8 प्लस 4 इज 12 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था बीट नंबर वन में, बीट नंबर वन में पूछा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बताओ क्या बताया, दिख रहा है 12 सेकेंड है। अब देखो पूछा है वेलोसिटी ऑफ थ्रो फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना जोर से फेंके, क्या मालूम कितना जोर से फेंके, फेंकने वाले को पूछो, हमको पूछने से हम कैसे बताएंगे, अरे बता देते हैं। देखो मान लो कि यू में फेंका, ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगा, 12 सेकेंड, मतलब 2u/g = 12, और g का वैल्यू कितना है 10, 10 मल्टीप्लाई टू 12, 120/2 = 60, सो u इज वेलोसिटी ऑफ थ्रो इज 60 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, है ना, बुक में इस मेथड में नहीं करता है, वो सारे मोशन इक्वेशन लगाते हैं, इसमें तो आप देख देख के आंसर बता रहे हो, उसमें लोग इक्वेशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हाथी करेंगे, घोड़ा करेंगे, उल्टा पुल्टा क्या क्या करेंगे। अच्छा ये मिल गया, पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक जाएगा, ओ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट क्या है फॉर्मूला, याद है कि भूल गए, u²/2g मतलब 60 का स्क्वायर / 2 × 10 कितना हो गया 180 मीटर, मतलब ये जो बॉल है कितना ऊपर तक जाएगा 180 मीटर तक जाएगा, हो गया, लिख लो इसको, अब मैं मिटा दूंगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहीं पर सॉल्व करूंगा, ठीक है, पॉज लगा दो, अप्लाई पॉज एंड राइट, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई पॉज, हाँ नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या दिया है, बॉल वॉज थ्रोन वर्टिकली ऑफ, बॉल थ्रोन वर्टिकली ऑफ रिमेन से वो भी हाइट ऑफ एच फॉर 6 सेकंड्स। अच्छा कोई बॉल को यहां से फेंका कितने जोर से, मालूम नहीं, निकालना है पूछा भी नहीं तो छोड़ो, तो ठीक है एच हाइट से ऊपर, ए हाइट से ऊपर कितना समय के लिए रहा, ये रहा कितने समय के लिए, 6 सेकंड के लिए, नहीं तो क्या दिया है, दिया है कि टी ए टू बी इज 6 सेकंड्स दिया है। सपोज सपोज यहां पर उसका वेलोसिटी भी वन था, स्पीड भी वन था, फिर क्या बोला है, इट रिमेन्स अबव हाइट कैपिटल एच फॉर 2 सेकंड्स, सपोज ये हाइट हो गया कैपिटल एच, इससे ऊपर रहेगा कितना समय के लिए, 2 सेकंड के लिए, ओ 2 सेकंड के लिए, मतलब अगर ये पॉइंट को हम सी, ये पॉइंट को डी कहेंगे तो कहेंगे टी सी डी कितना है 2 सेकंड्स, और मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी है वी टू, है ना, तो कैपिटल एच हाइट से ऊपर रहा ये छोटा सा टाइम कितना है 2 सेकंड का, ये बड़ा सा टाइम कितना है 6 सेकंड का, क्या पूछा है फाइंड एच माइनस एच, ये पूरा है एच, ये है स्मॉल एच, मतलब दिस वैल्यू इज एच माइनस एच, जो आपको पता करना है कि नहीं। अच्छा अगर ये वेलोसिटी वी वन है, ये टी ए बी को क्या लिखोगे, यहां से यहां तक आने का टाइम 2v1/g = 6, तो v1 कितना हुआ भाई, g मल्टीप्लाई करो 60/2 = 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहां पर वेलोसिटी v2 है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अगर वेलोसिटी v2 है तो आप कहोगे 2v2/g यहां से यहां तक का टाइम है ना कितना है 2, मतलब v2 कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, हुआ कि नहीं हुआ,
हाँ तो हमें h माइनस h निकालना है, मतलब a से c का डिस्टेंस निकालना है। अब a टू c देख लो ना कैसे कैसे धीरे धीरे खुलते जा रहा है, ठीक है ना, सिमेट्री यूज करके फटाफट बन जाएगा। a टू c मोशन में, a टू c मोशन में अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इज वी वन जो कि 30 है, फाइनल वेलोसिटी इज वी टू जो कि 10 है, एक्सीलरेशन तो आंख बंद करके माइनस जी है, और डिस्प्लेसमेंट वही तो पता करना है क्या है वो एच माइनस एच। तो यू वी एस में इफ यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यू वी एस, हाँ दर दर हरी मरी আমার গোটে গেট পাইলে বড় গেটটা পাইলে ছোট গেট না ঠিক আছে আগে আসুন তো লেফট সাইডটা বড় গেটটা মো গাড়িটা থই দেখি যাই লোক আছে যাও ঠিক আছে আগে আসুন আপনারা আওয়াজ মু শুনি পাচ্ছো ঠিক আছে মু গোটে মিনিট পর আছি আসুন উপর হ্যাঁ বড় গেট আছে তো ভ্যালু ডালো তো কি আ রে দেখো ইসমে ইট ইজ কামিং ভি স্কয়ার एस 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 क्या होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी बाय टू ए, तो वैल्यू डाल दो सबका, बी स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बाय टू इंटू माइनस जी, डालो कितना हो गया अगेन 900 माइनस 100 इज 800 बाय 20 इज 40 मीटर्स, एच माइनस एच तो हो गया 40 मीटर्स। So, h माइनस h इज 40 मीटर, आया समझ में, देख लो देख लो देख लो है, ओके ओके। तो चलो अभी हम लोग वर्टिकल मोशन का केस टू देखते हैं। अब पहला केस में क्या था, नीचे से ऊपर फेंके, अब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। ये एक सिंपल का केस है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा केस वाइज करके कर देता हूं क्योंकि उसमें से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला निकल के आते हैं। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, बस इतना ही, कोई बॉल को एच हाइट से गिरा दिए, अब ये गिरेगा इसके बारे में सारा चीज पता करना है, ठीक है। पहला हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय लगा, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड क्या है वो हमें पता करना है, ठीक है ना। चलो इसको नाम देते हैं टी। तो देखेंगे ए से बी तक का मोशन, तरीका तो हमें मालूम है, ए टू बी वाला मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ड्रॉप किया है भाई, ड्रॉप क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन वो तो हरदम नीचे की तरफ होता है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट वो भी तो नीचे की तरफ हुआ माइनस एच, टाइम इसको तो हम लोग टी अस्यूम किए है ना। अच्छा तो अगर हमें टी पता करना है इनके बीच में क्या रिलेशन ला सकते हैं, वी कैन से एस इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हो गया माइनस एच, यू टी हो गया जीरो, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, टी की जगह डाल दिए कैपिटल टी। तो ये जो टी आया उसका वैल्यू क्या है, ये टी क्या है, पहले भी एक टी था, वो क्या था टोटल मोशन का टाइम, यहां पर से ऊपर से नीचे गिरने का टाइम, टी कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट, यू सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एच बाई जी रूट ऑफ, समझ में आया क्या, इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ टू एच बाई जी। तो कोई बॉल को अगर एच हाइट से गिरा देंगे नीचे गिरने के लिए कितना समय लगेगा, रूट ओवर ऑफ टू एच बाई जी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है एग्जैक्टली कैसे पता करोगे बता दूं, हाँ घड़ी खोलो, अपना घड़ी ले लो, छत के ऊपर जाओ, घड़ी में कितना टाइम हुआ देखो और गिरा दो, जैसे गिरेगा धड़ाम नीचे घड़ी बंद, तो जितना चला होगा उतना में रुक गया होगा, आगे देखो कि कितना टाइम हुआ, अच्छा ऊपर इतना टाइम हुआ था नीचे इतना टाइम हुआ, टाइम पता चल गया। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम कैन यू नॉट नो द हाइट ऑफ योर बिल्डिंग,
देखा कितना टेक्निकल तरीका बता दिया। टी जैसे पता चल गया घड़ी को कब छोड़े थे, देख लिए थे, गिरने के बाद तुरंत बंद हो गया होगा। और एच को वहां से हम निकाल सकते, टी मिल गया, टी से हमें एच मिल गया। बिल्डिंग का हाइट देखा, कैसे कैसे तरीका मैं बता देता हूँ घर का हाइट बताने के लिए। लोग सोचेंगे कैसा इंजीनियर है, सब कुछ सीख जाता है ये। अच्छा बीट नंबर टू, बीट नंबर टू में देखेंगे वेलोसिटी ऑफ रीचिंग ग्राउंड, कितना वेलोसिटी में आके नीचे पहुंचेगा। तो वही ए टू बी मोशन वाला को ही करना। ए टू बी मोशन में तो अभी सब कुछ हमें मालूम है, यू क्या है जीरो, ए क्या है माइनस जी, एस क्या है एच, माइनस एच क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स, माइनस एच। और भी क्या है वही पता करना है, क्या रिलेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और भी हो गया रूट ओवर ऑफ दिस, इट इज यू तो जीरो था, यू जीरो था, इट इज क्या हो गया टू माइनस जी माइनस एच का रूट ओवर टू जी एच। तो जब भी कोई बॉडी को एच हाइट से गिराएंगे, नीचे गिरने का समय कितना, वेलोसिटी कितना होगा नीचे गिरने से, रूट ओवर ऑफ टू जी एच। अच्छा तीसरा, इफ टी वन इज टाइम टू क्रॉस अपर हाफ पार्ट, टी टू इज टाइम टू क्रॉस लोअर हाफ पार्ट, मतलब गिराए यहां से गिरा यहां तक आने के लिए टाइम लगा टी वन, यहां तक आने के लिए टाइम लगा टी टू। तो फिर टी वन बाई टी टू क्या हो जाएगा, टी वन बाई टी टू क्या हो जाएगा, अरे ये तो हम लोग काइनेटिक्स का फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। इफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड और द टाइम टेकन टू क्रॉस इक्वल कंजुगेटिव डिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:√2 - 1:√3 - √2 √4 - √3 बताया था ना, तो उस हिसाब से आ गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है 1:√2 - 1, आया समझ में। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा और एक छोटा सा स्टेप बताना चाहूंगा, बीट नंबर फोर, बीट नंबर फोर, बीट नंबर फोर में हमें पता करना है डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन इज इक्वल टू, यहां से कोई चीज गिरा ऐसे गिरा, यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है। सपोज ये एच है, ये पता करना है कितना दूर आया यहां से यहां तक आने के लिए, कितना दूर आना पड़ा, ये 1 सेकेंड का लगा टाइम। अच्छा यहां पर स्पीड कितना था भी, थोड़ा यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यूज करेंगे, बड़े बड़े नाम सुन के डरो मत। अब देखो यहां से कोई चीज अगर रेस से गिरता है, यहां पर आते आते उसका स्पीड भी होता है, सोचो तो यहां से उस चीज को अगर भी में फेंकेंगे वो कितना ऊपर तक जाएगा, एग्जैक्टली वहीं तक जाएगा, और यहां पर आते आते उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर गिरेगा, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, अगेन भी में फेंके थे तो भी में ही गिरेगा। मतलब हम लोग अभी बात करें कौन सा मोशन का, ये मोशन का, फॉर दिस मोशन वी आर टॉकिंग, फॉर दिस मोशन वी आर टॉकिंग नाउ, है ना। यहां से गिरा और ये 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो बात हुआ ना सेम, 1 सेकंड में कितना नीचे जाएगा डाउनवर्ड मोशन में, फर्स्ट 1 सेकंड में जितना दूर जाएगा, ये तो हम लोग पहला बिट में कर चुके हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड ऑफ मोशन इसे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ मोशन। अगर हम इसको भी वेलोसिटी में फेंकते
ऊपर जाके नीचे आता, सेम मोशन एग्जीक्यूट करता, लास्ट सेकंड में जितना दूर जाता अभी भी उतना ही जाएगा। तो फिर फॉर्मूला क्या था याद है क्या? इट वाज यू माइनस जी बाई टू, देख लो डिस्टेंस मूव इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। तो यहां पर यू क्या है? ये जितना वेलोसिटी में गिर रहा है, इट इज वी माइनस जी बाई टू। और भी क्या था? क्योंकि वो एच हाइट से गिर रहा है, भी तो अभी अभी निकाल दिए थे, क्या था वो? रूट ओवर ऑफ टू जी एच। सो रूट ओवर ऑफ टू जी एच माइनस जी बाई टू हो गया वेलोसिटी, आई मीन द डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। आया समझ में? है ना, चलो देखते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं। हो गया, कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक छोटे 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 क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? ए स्टोन वाज ड्रॉप्ड इनटू ए 20 मीटर डीप वेल। ए स्टोन वाज ड्रॉप्ड इनटू ए 20 मीटर डीप वेल, द स्प्लैश साउंड, प्लस साउंड वाज हर्ड आफ्टर 2.05 seconds। ठीक है, 2.05 seconds। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अरे सर, आप तो वर्टिकल मोशन पढ़ा रहती है, साउंड ऑन में कहां आ गए? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी कोई पत्थर को किसी कुएं में गिराया गया, ये कुआं 20 मीटर गड्ढा है, इसमें पानी है, कितना है 20 मीटर। पत्थर गिरा, जैसे पत्थर गिरा अंदर झपाक से आवाज आया, द स्प्लैश साउंड, झपाक आवाज बाहर आया और आपको सुनाई दिया किसको? जो पत्थर गिरा था। बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? पहले देखेंगे कि पत्थर को अंदर जाने के लिए कितना समय लगा। क्या करेंगे? सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय स्टोन टू गो डाउन इज इक्वल टू कितना हेड में गया है? 20 मीटर में। फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 2 इंटू 20 बाय जी के जगह 10 हो गया 2 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय साउंड टू कम आउट, टाइम टेकन बाय साउंड टू कम आउट, साउंड को बाहर आने के लिए कितना समय लगा? बोला कि पत्थर गिराने का 2.05 सेकंड के बाद, मतलब पत्थर को तो जाने के लिए लगा 2 सेकंड, बाहर आने के लिए कितना लगा होगा? 2.05 माइनस 2 इज 0.05 सेकंड्स। अच्छा, तो साउंड को यहां से यहां तक आने के लिए लग गया इतना टाइम, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? साउंड कितना दूर आया है? 20 मीटर। कितना समय में? 0.05 सेकंड में। तो क्या है उसका स्पीड? 20 बाय 0.05 इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड का स्पीड हो गया 400 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका केस टू। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर पाओगे और हम लोग डीपीपी में वो सारे क्वेश्चन को करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो वर्टिकल मोशन का मिनिमम फंडा तो यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके।